हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी और बेहतर करना भी पड़ेगा। नहीं भी हो रही है तो बेहतर बनाना पड़ेगा बच्चों, तभी जाकर के आपका भविष्य बेहतर होगा और आपका कैरियर बेहतर होगा। क्योंकि अगर आज मस्ती कर दिए तो यूं समझिए कि किसी चौराहे पर पता चले कि चना बनाओगे, अंडे छीलोगे, यही सब करोगे भाई। और हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे रसगुल्ले भाई इस लायक बने, बल्कि आपको वो मुकाम हासिल करना है कि भाई पूरी सोसाइटी में आपका नाम हो और आपके माता पिता का भाई जो सीना है ना, वो फक्र से, गर्व से चौड़ा हो जाए। वो काम करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों को। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक बल गतिकी चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं और न्यूमेरिकल में भी इसमें हम 3 से 4 पार्ट के माध्यम से समझेंगे और ये चैप्टर काफी लाजवाब है आपके न्यूमेरिकल की दृष्टि से, क्योंकि बच्चों इसमें से एक न्यूमेरिकल हर सेट में 4 नंबर का आएगा और एक जो क्वेश्चन होगा या तो वो 2 नंबर में हो सकता है या फिर वो 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और न्यूमेरिकल वाली सीरीज तो आपको बिल्कुल भी बच्चों मिस नहीं करना है, और वैसे भी अब वक्त नहीं रहा क्योंकि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे समय अपने चाल से तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप भाई अभी मौज मस्ती में बिता दोगे ना तो उधर बोर्ड एग्जाम के टाइम पे प्रेशर होगा, फिर यही चिल्लाओगे, यही रोना फिर हो जाएगा कि सर मेरी तैयारी नहीं हुई है, नहीं हो पाई है, कुछ नहीं पढ़ पाए, तो भाई ये काम ना हो आपके साथ, ठीक है? तो ये आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है भैया। कह रहा है कि अभिक्रिया ए प्लस बी से कोई उत्पाद बन रहा है के लिए वेग नियम या दर नियम कह लें, इसके लिए वेग नियम जो है वो आपका दिया है R बराबर A की सांद्रता के घात 1/2 और B की सांद्रता के घात 2 दिया है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आपको पता हो बच्चों अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था भाई, कोटि और आणविकता में अंतर। तो सबसे पहले जो वेग नियम है वो क्या दिया है बच्चों, तो R बराबर A की जो सांद्रता है इसका घात 1/2 दिया है बच्चों, और B की सांद्रता के घात कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। और अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, अगर आपको याद हो तो हमने कोटि क्या बताया था, कोई भी मान लेते हैं कि यहां पर अभिकारक है और उसमें हमने बताया था एक्स वाई अगर आगे होता है तो यहां पर एक्स प्लस वाई कोटि, यही तो बताया था, यानी x प्लस वाई यहां पर क्या है, तो ये है अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। बस इतना याद रखना, जो ये अभिकारक है ए भी क्या है, अभिकारक ही तो है भैया, यहां पर ए भी अभिकारक है और ये उत्पाद बना है, तो अभिकारक की जो सांद्रता की घात होती है, तो घात मान लेते हैं कि यहां x है और यहां y हम मान लेते हैं, तो जो घातों का योग होता है रसगुल्लों उसी को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मजेदार, तो यहां पर हम निकालेंगे भाई अब कोटि, तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमने कहा ना घातों का योग, तो भाई घातों का योग, घात कितना है 1/2 है और प्लस का ये 2 है, मिलकर कितना 2 × 2 = 4 = 5, तो 5/2, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया भाई अभिक्रिया की कोटि। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न में इस टाइप का एक क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा अभिक्रिया की कोटि। तो है तो ये एकदम सिंपल सा, लेकिन फिर भी हमें जानना तो जरूरी है भाई, हमारे लिए तो ये क्या है समझना ही होगा, ठीक है? समझ में आया? तो भाई छोटा छोटा करके देखेंगे, आपको प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लेना रसगुल्लों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, स्क्रीन शॉट करते चलिएगा, हो गया भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद रखना भाई, इस क्वेश्चन के बारे में इसको हल्के में मत लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, कम से कम ये 4 सेट में आया था, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। 2024 में 1-2 सेट में आया था, मिस किया था, ठीक, लेकिन 2025 में यूं समझिएगा कि 4 सेट में 3 सेट में तो दिखाई पड़ेगा ही, ठीक। देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया x प्लस वाई से 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर जो है वो 10^-3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। तो कह रहा है कि वाई के विलुप्त होने की दर और जेड के बनने की दर ज्ञात करना है।
इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, ना तो बहुत ज्यादा अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाना है, क्योंकि अगर भाई आप अपने से बहुत ज्यादा दिमाग चलाओगे बच्चों तो सब हो जाएगा इधर उधर, ठीक है। तो इसमें करना क्या है रसगुल्लो, चलिए वो समझते हैं। आपको पता हो जब अभिक्रिया का वेग हम बता रहे थे, अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर, अगर नहीं पता है नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में है बच्चों। तो अभिक्रिया के वेग में हमने किसी भी अभिक्रिया को स्टाइकियोमिटी के रूप में लिखना सिखाया था, तो इसको सबसे पहले स्टाइकियोमिटी के रूप में, ये जो आपका समीकरण दिया है भैया, तो यही समीकरण कह रहे हैं, यानी जो ये आपका अभिक्रिया दिया है इसको स्टाइकियोमिटी के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो भाई इसको जब भी हम लिखेंगे इसका यही तो होगा ना, हमने बताया कि इधर वाला जब विलुप्त होता है तभी इधर वाला बनता है, याद है ना कि माइनस और प्लस चिन्ह के साथ लिख रहे थे, क्योंकि जब ये एक्स वाई विलुप्त होगा तभी जाकर के ये बनेगा, ठीक। तो इसलिए जब इसको इधर वाला जो होता है वो माइनस के साथ चलते हैं और इधर वाला हम प्लस के रूप में, तो यहां पर जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस हो जाएगा डी, या फिर यहां पे आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसको भी बताए थे, तो माइनस डी और ये क्या है बच्चों एक्स है और अपान डी टी, ये बराबर हो जाएगा इधर, फिर ये क्या है माइनस का डी, ये वाई है और अपान क्या है डीटी है, या फिर आप इसको माइनस का डेल्टा एक्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट यहां पे डेल्टा टी, याद रखना भाई, तो आप चाहे डी के रूप में लिखें या डेल्टा के रूप में, बराबर ये सभी स्टाइकियोमेट्री में सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये बराबर, और जब भी कोई नंबर आ जाए, नंबर आ जाता है तो वो एक बटे के रूप में चला जाता है, तो दो है तो एक बटे दो है। अब इधर वाला हमने बताया ये प्लस में आपका चलेगा, प्लस में चलेगा और ये क्या है डी, और उसके बाद यहां डेल्टा, मतलब ये डेल डेल लिखिए या डेल्टा लिखिए या डी लिखिए, और ये जेड है अपान ये डी टी है। तो ये है स्टाइकियोमिति, ऐसे लिखना होगा आपको, ये समझ में आया। इधर ध्यान देना बच्चों ये माइनस के साथ में रहेगा, अगर जैसे यहां दो लग जाता तो हम एक बटे दो लगाते, यहां पर जैसे दो तीन लग जाता तो एक बटे तीन लगाते, जैसे इधर किया है, तो ये हमने माइनस के साथ इसलिए लिखा कि इधर वाला चाहे जितना रहे सब माइनस के साथ रहेगा। ये माइनस इस बात को ही दर्शाता है कि ये जो अभिकारक है ये विलुप्त हो रहा है, और ये प्लस वाला इस बात को बताता है कि ये जो उत्पाद है वो बन रहा है, यानी इसका निर्माण हो रहा है। अब पूछ क्या लिया है, पूछ क्या लिया है भाई, तो पूछा है वाई के विलुप्त होने की दर, लेकिन उससे पहले एक्स के विलुप्त होने की दर दे दिया है भाई, x के विलुप्त होने की दर, मतलब ये कह सकते हैं माइनस का d और ये क्या है x है अपान dt, तो इसका मान दे दिया है बच्चों, यही तो पूछ रहा है ना, मतलब आगे दे दिया भाई x के विलुप्त होने की दर 10 के घात माइनस का 3 दे दिया है। अब कह रहा है कि y के विलुप्त होने की दर निकालना है, चलिए इधर देखते हैं, इधर अच्छे से समझते हैं, तो किसका मान पूछ रहा है, तो माइनस डी ये y पूछ रहा है और अपान dt, तो y के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, या फिर कह सकते हैं ये इसके बराबर कह सकते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब बच्चों x वाला y के बराबर है तो हम बराबर लिख सकते हैं, और ये भाई x का मान हमको ये मिल गया है, इसीलिए कह रहे हैं ये केवल समझना है, बाकी सिंपल बहुत होता है। तो ये वाला ध्यान से समझना, हम y वाला इसके बराबर कर सकते हैं ना भैया, इसके बराबर कर सकते हैं, माइनस का d, ये x है अपान dt है। तो हमने बताया ना कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम y वाला भी x के बराबर कर सकते हैं, यानी ये वाला इसके बराबर करो, या फिर ये वाला इसके बराबर, या फिर ये वाला इसके बराबर, या फिर ये वाला, यानी जैसे जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। अब इसका मान पूरे का मान दे दिया है बच्चों 10 के घात माइनस 3, तो माइनस का हो गया डी और ये y हो गया बच्चों अपान dt हो गया, और इसका मान पूरे का दे दिया 10 के घात माइनस 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब अगर देखें भाई इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो कठिन नहीं है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका आ गया, तो ये आ गया y के विलुप्त होने की दर, तो ये आ गया। अब कह रहा है कि z के बनने की दर ज्ञात करना है, तो z के बनने की दर ज्ञात करना है, एक मिनट भैया इसको थोड़ा हम ऊपर कर लें,
इसको यहाँ कर लें और उसके बाद इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपका यहां से, अब ध्यान से समझिएगा। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जेड के बनने की दर ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्या बताया भाई, एक्स वाला वाई के बराबर है, वाई वाला जेड के बराबर है, या जेड वाला एक्स के बराबर करिए, चाहे इसको इसके बराबर, सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब यहां पर हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, अब कह रहा है कि जेड के बनने की दर पूछ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, ये क्या है, एक बटे दो है, यहां पर डी जेड हो गया अपान डी टी। अब हमने बताया ना कि इसको चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके बराबर, तो हम किसी एक के बराबर कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि डी वाई के ही बराबर कर देते हैं, ये अपान डी टी। अब यहां से एक चीज ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा भैया एक बार, देखिए ये चीज जब हो जाएगा, ये इसके बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं डी, ये जेड है अपान डी टी, ये डी टी है। अब ये चीज एक मिनट यहां पर सही से इसको लिख देते हैं dt। अब एक बटे दो है तो ये इधर चला जाएगा, ये दो हो जाएगा भाई, एक बटे दो है तो उसको भेजेंगे, और ये वाला क्या है आपका माइनस का डी वाई है, ठीक, माइनस डी वाई है अपान dt है। तो मान रख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं डी जेड अपान डी टी बराबर, ये दो है गुणे इस पूरे वाला का मान, देखना भैया इस पूरे वाले का मान, इसके पूरे का मान क्या है, तो इसके पूरे का मान अभी तो बताया भाई यही निकाला है, या फिर कह सकते हैं ये, क्योंकि x इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 10^-3, ये आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एंसर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब एक आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा, कुछ भी नहीं करना इसमें। इसमें हमने बताया ना कि सबसे पहले इसको स्टोइकोमेट्री के रूप में लिखेंगे, फिर क्या कुछ दिया है कि एक दूसरे के बराबर करके हम निकाल लेंगे, आगे भी एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर ये नहीं समझ में आया है तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए आप, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। कह रहा है कि अभिक्रिया a प्लस टू बी एरो करके 3c है के लिए c के बनने की दर आपकी दे दिया है, और ये 10^-2 मोल प्रति लीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है a तथा b के विलुप्त होने की दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों मान क्या दे रखा है, पहले लिखेंगे इसको स्टोइकोमेट्री के रूप में, तो हमने बताया ना हम क्या लिखेंगे, माइनस का डी, ये ए है अपान डी टी, या हमने बताया डेल्टा बना लेंगे आप तब भी, ठीक। ये फिर माइनस लगाएंगे, ये बी वाले में देखिए दो आ गया ना, एक बटे दो कर देंगे आगे, तो ये डी है, यहां पे क्या है बी है, माइनस डी बी अपान डी टी ये, और बराबर का यहां पे ध्यान देना आपकी बार प्लस लगाएंगे, क्योंकि जो अभिकारक होता है इधर पूरा माइनस में चलता है और इधर उत्पाद प्लस, क्योंकि ये प्लस बनने की दर को बताता है। ये कितना है 1/3 आगे कर लेंगे, और ये डी सी है अपान डी टी है। अब समझिएगा, ये तो स्टोइकोमेट्री, बस यही कर लिए ना आप तो एकदम चुटकियों में सवाल लगा लोगे। सी के बनने की दर कह रहा है, सी के बनने की दर मतलब ये दिया है डी सी, डी सी अपान डी टी, डी सी अपान डी टी, सी के बनने की दर जो दे दिया है 10^-2 इतना मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, इतना दे दिया है, ठीक। अब सवाल पे चलते हैं, कह रहा है ए तथा बी के विलुप्त होने की दर। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि भाई ए के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, तो सबसे पहले हम ए के विलुप्त होने की दर निकालेंगे, ठीक। तो ए के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ए के विलुप्त होने की दर, अब हमको ए बी के बराबर भी कर सकते हैं, ए सी के बराबर भी कर सकते हैं, बट आपको बताना है कि आप किसके बराबर करोगे, बी के बराबर करोगे या फिर सी के बराबर, बताइएगा बच्चों, सी के बराबर होगा। क्यों होगा रसगुल्लों, क्योंकि सी वाला मान दिया है, अगर हम बी के मान लेते हैं बराबर भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि भाई हमको ए का मान मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बी का मान नहीं मिला है। तो ए को अगर हम सी के बराबर करते हैं तो सी वाला मान पहले से दिया है, तो इस तरह से हम ए वाला निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस डी ए अपान
डी टी बराबर इसको करेंगे प्लस का एक बटे तीन और ये क्या हो जाएगा डी सी अपान डी टी। ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे बच्चों। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस का डी ए अपान डी टी बराबर प्लस का एक बटे तीन है ही। अब ये पूरा का मान, ये पूरा का पूरा मान भाई, इसका पूरा मान डी सी अपान डी टी, ये देख सकते हैं आप 10 के घात माइनस दो दे रखा है, तो लिख सकते हैं 10 के घात माइनस दो। तो यही वैल्यू रख दीजिए बस, इतना मोल प्रति लीटर, या फिर आप काट देंगे 0.33 हो जाएगा, या मोल प्रति लीटर पर सेकेंड, बस डायरेक्टली आप केवल इतना ही रख दीजिए, ज्यादा काहे टेंशन पालना। ये आंसर हो गया पहला आंसर। दूसरा क्या कह रहा है भाई, दूसरा कह रहा है कि बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर। अभी हमने क्या कहा कि भाई हमने क्या किया, अब बी के विलुप्त होने की दर, अब बी को भी सी के बराबर कर देंगे भाई, क्योंकि C का मान पता है, या फिर B को आप इसके भी बराबर कर सकते हैं। तो यहां पर B के विलुप्त होने की दर दे रहा है, तो माइनस का एक बटे दो ये dB हो गया बच्चों अपान dT हो गया, और इधर क्या था कि प्लस में एक बटे तीन है, और ये dC अपान dT। तो हमें केवल B के विलुप्त होने की दर कर रहा है, तो एक बटे दो जो है उधर भगा दो, माइनस नहीं भगाना है, क्योंकि माइनस तो इस बात को बताता है कि ये विलुप्त हो रहा है, तो ये चिन्ह के साथ में ही रखना है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा, ये एक बटे दो है तो उधर मजाक भगा देंगे, तो दो बटे तीन हो जाएगा, और इधर क्या है, तो इधर है डी सी अपॉन डी टी। अब तो समझ में आ गया होगा रसगुल्लों, अब तो समझ में आ गया भाई, इसका डी सी अपॉन डी टी का पूरा ये मान आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस का डी बी, माइनस का डी बी अपॉन डी टी बराबर, ये दो बटे तीन था और इसका मान कितना है, तो इसका मान 10 के घात माइनस का दो है। ठीक, इतना मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन लगता है, और क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर अक्सर देखा होगा तो बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं है बुक में, इसीलिए क्या करता है कि भाई बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल को लगाते ही नहीं है, और एग्जाम में यही जब आता है 3-4 नंबर में तो धोखा हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों? कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्टाइकोमिति के रूप में इस तरह से लिख लेना है, मतलब इधर वाला माइनस में रहेगा और इधर जो भी रहेगा, दो तीन जो भी रहेगा, अगर जैसे सी प्लस डी हो गया तब भी वो सब प्लस प्लस में ही रहेगा, बस ये याद रखना। उसके बाद ये एकाध वैल्यू दिया रहेगा, तो भाई ये सब तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हम जहां जैसी जरूरत हो हम बराबर करके निकाल सकते हैं मान। क्लियर? चलिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए भाई इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार को। क्वेश्चन नंबर चार ये भी काफी लाजवाब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको भी, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी अभिक्रियक, अभिक्रियक का मतलब वही अभिकारक की बात कर रहा है, किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है बच्चों कि अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रियक की सांद्रता पहला है दो गुनी कर दी जाए, दूसरा आधी कर दी जाए। अब एक चीज समझिएगा बच्चों, कह रहा है कि एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, तो हमको मालूम है, हमको मालूम है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि x से y, समझिएगा, तो अगर इसमें हम अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे तो दर समीकरण क्या होगा, r बराबर यही होगा भाई कि k हो जाएगा, और यहां पर क्या है x हो जाएगा, ऐसे ही तो लिखेंगे। लेकिन कह रहा है कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, हम दो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कि अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की है, तो इसलिए यहां पर दो लग गया। अब समझिएगा, अब कहानी एकदम फिनिश हो जाएगी। सवाल में पहला कह रहा है कि दो गुनी कर दी जाए क्या सांद्रता, मतलब जो एक्स का मान, मान लेते हैं कि जैसे अगर हम एक्स के स्थान पर हम मान लेते हैं जैसे ए, ठीक है, ए मान लेते हैं, तो x का जो मान है वो हम a मान लेते हैं, तो कह रहा है कि
पहला कह रहा है कि सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो मतलब 2a कर दी जाए, क्योंकि अभिकारक ये प्रारंभिक सांद्रता जैसे उसमें a माना था ना, तो वही समझिए तो दोगुनी कर दे रहा है। तब ये क्या हो जाएगा भाई, r बराबर ये k आप अपने स्थान पर रहने दीजिए और x के स्थान पे 2a है इसका स्क्वायर करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे k इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इसका करेंगे भाई 2 × 4 हो जाएगा ये ए स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो अभिक्रिया की जो दर है भाई, अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो जा रही है, 4 गुना। अभिक्रिया की जो दर है ठीक, अगर हम सांद्रता दो गुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो समझ में आ गया भाई, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि आधी कर दी जाए, मतलब जो x का मान है सांद्रता क्या कर दिया जाए, आधी। आधी का मतलब a बाई 2 कर दें, या फिर आप 1/2 ही डायरेक्ट रखिए, a ना मानिए कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे तब भी कोई भाई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पर समझिएगा भाई, अब हम क्या करेंगे तो लिखेंगे अभिक्रिया का जो दर है k लिखेंगे और यहां पर जो x का मान है, जो x का मान है कितना रखेंगे, a बाई 2 रख देंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा ठीक। तो r बराबर, तो ये r बराबर जब ये 1/2 है तो ये 1/4 हो गया, k हो गया इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो यूं कह सकते हैं कि अभिक्रिया का की जो दर हो जाएगी वो 1/4 ठीक, यानी 1/4। समझ में आ गया ना भाई, तो इसको थोड़ा एक मिनट, तो यहां कह सकते हैं बच्चों जो दर है वो कितना हो जाएगा, 1/4 ठीक। क्या लिख सकते हैं, 1/4 याद रखना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर है कि 4 गुना होगा, दूसरा 1/4। अब चाहे 3 गुना कर दे बच्चों, सवाल में बहुत करेगा 3 कर देगा तो ये 3 × 3 = 9 गुना हो जाएगा, यहां पर 1/3 कर देगा तो 1/9 हो जाएगा। तो मतलब चाहे अब जैसे कहे आपको, इस तरह से तृतीय कोटि कर देगा तो यहां पर आप 3 मान लेना, प्रथम कोटि कहेगा तो केवल 1 रखना, इतना याद रखना बच्चों, यही आपको करना है इसमें, क्लियर। चलिए भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि R से P, यानी ये R अभिकारक है, P क्या है, उत्पाद है। अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता 30 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.2 मोल प्रति लीटर हो जाती है, तो औसत वेग की गणना करना है। देखिए ये तो और भी आसान है भाई, डायरेक्ट फार्मूले पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, औसत वेग बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी माइनस डी आर अपान डी के, यही हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और नीचे क्या है बेटे, समय। तो ध्यान से समझना, औसत ये वेग बराबर लिखेंगे इसको कि औसत वेग बराबर ये माइनस रहेगा बच्चों डी आर, ये आपका कितना से कितना घट रहा है, तो भाई 0.3 यहां पर 2 मोल प्रति लीटर है और वो 5 है ठीक। तो देखिए जब भी आप लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, जैसे डेल्टा टी है तो इसका मतलब क्या होता है, T2 - T1, अगर जैसे डेल्टा आर लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, R2 - R1, तो 2 वाला क्या है ये है, R1 वाला वो समझिए वो है। तो पहले हम लिखेंगे 0.2 वाला और माइनस फिर 0.5 वाला, और नीचे क्या है भैया, समय कितना दिया बच्चों, 30 मिनट, 30 मिनट दे दिया है। तो ये कितना हो गया भाई, माइनस इतना है, और यहां पर ये माइनस का 0.3, क्योंकि यहां पर भाई 2 में से 5 घटाएंगे ना, 2 में यानी 0.2 में से 0.5 घटाएंगे, तो माइनस का 0.3 हो गया और नीचे 30। तो ये कह सकते हैं आपका, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई, लिखेंगे कि औसत वेग बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 0.3 और नीचे 30, इसको काट देते हैं 0.01। कैसे आया,
क्योंकि ऊपर नीचे अगर 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर 3 नीचे 300 बच्चों, काटेंगे तो मतलब 1/100 का मतलब क्या है भाई, 0.01। तो हम डायरेक्टली यहां पर ऐसे काट के लिख दिए, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 10^-2, ये कितना आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ठीक, मिनट में होगा भैया, क्योंकि यहां पर देखिए मिनट में दिया है, सेकंड में कहता तो हम सेकंड के निकालते। यही क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा औसत वेग। ठीक, औसत वेग आपका कितना निकल कर आया, 10^-2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, या फिर इसको केवल इतना ही रखें, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, बहुत ज्यादा आपको भी हम मेंटली प्रेशर देंगे नहीं बच्चों। और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा।